नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी एक बार फिर से रिपोर्ट कार्ड की। जी हां, रिपोर्ट कार्ड लगातार हम उन विधायकों का तैयार कर रहे हैं जो एक बार फिर से सदन के भीतर, यानी कि सूबे की सबसे बड़ी पंचायत के भीतर जाने के लिए उतावले। उत्तराखंड की सियासत के तमाम दिग्गजों का रिपोर्ट कार्ड हमने एक के बाद एक तैयार किया। चोबट्टा खाल में सतपाल महाराज का रिपोर्ट कार्ड, नरेंद्रनगर में सुबोध उनियाल का रिपोर्ट कार्ड, कोटद्वार में कोटद्वार के रण को छोड़कर भागने वाले हरक सिंह रावत का रिपोर्ट कार्ड, ऐसे ही हमने रिपोर्ट कार्ड डोईवाला का भी तैयार किया, खटीमा का भी तैयार किया, और तमाम विधायकों के जो कि दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। हाल ही में प्रीतम सिंह के रिपोर्ट कार्ड का भी हमने जिक्र किया, नेता प्रतिपक्ष। आज हम जिक्र करेंगे तमाम मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के बाद आज एक ऐसी शख्सियत की रिपोर्ट कार्ड का जो सदन के भीतर सर्वोच्च पद पर थे। संवैधानिक नजरिए से विधानसभा के भीतर वो पद सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जी, हम बात कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की। प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर से ऋषिकेश के रण से चुनावी रण में है, लेकिन ऋषिकेश में उन्होंने बतौर विधायक कितना विकास किया, आज उसका आकलन होना भी बहुत जरूरी है। अगर बात प्रेमचंद अग्रवाल की जाए तो प्रेमचंद अग्रवाल, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा, बीजेपी और संघ के चेहरे रहे। अब पिछले 5 साल बतौर विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने बेहतरीन तरीके से जिम्मेदारी संभाली, लेकिन ऋषिकेश के विकास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज उनका रिपोर्ट कार्ड कुछ यूं सामने आता है। उपलब्धि और दावों के बाद मैं सीधा अपने मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। तमाम पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे और ऋषिकेश के परिपेक्ष में समझेंगे कि क्या विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल ने बाखूबी ऋषिकेश की जनता के भीतर जाकर विकास कर पाए वो या नहीं कर पाए, या सिर्फ देहरादून और ऋषिकेश की दूरी ही पाटते रह गए। उपलब्धियों का मैं सबसे पहले जिक्र करता हूं। उपलब्धियों के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं कि मैंने MDDA के जरिए 7 करोड़ की लागत से त्रिवेणी घाट क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया। दावा ये भी करते हैं प्रेमचंद अग्रवाल की राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस की स्थापना भी उन्होंने करवाई। अभी दावों की हकीकत बताऊंगा। और दावा यह भी कि संजय झील रायवाला में वृद्धाश्रम और मिनी स्टेडियम के लिए वित्तीय स्वीकृति दी। अब हकीकत क्या है दावों की हकीकत, क्योंकि ऋषिकेश में पहली बार नहीं है कि प्रेमचंद अग्रवाल चुनाव जीते, इससे पहले भी वो चुनाव जीते हैं। ऐसे में आकलन इसलिए आधार पर भी होना चाहिए कि उन्होंने कितना विकास किया। दावों की हकीकत यह है कि त्रिवेणी घाट पर गंगा की धारा को हर की पैड़ी की तर्ज पर आज तक घाट पर नहीं ले जाया जा सका, वो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, लेकिन अब तक धरातल पर वो उसे उतार नहीं पाए। विधानसभा अध्यक्ष होने के बावजूद भी ऋषिकेश में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट आज भी अधूरा है। दूसरा, राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस की स्थापना हो चुकी है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि जो ग्रामीण क्षेत्र है ऋषिकेश के, वहां पर महाविद्यालय की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। आज तक लगातार ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि महाविद्यालय स्थापित किया जाए, लेकिन ऋषिकेश में वो भी नहीं हो पाया। संजय झील का जिक्र जो वो कर रहे थे, संजय झील का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया, संजय झील का काम आज भी अधूरा है, और ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह पर सड़कों की हालत ऋषिकेश में बेहद खराब है। तो एक तरफ दावे हैं और दावों के विपरीत हकीकत भी है। तो कैसा है प्रेमचंद अग्रवाल का रिपोर्ट कार्ड, सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को हम इस कार्यक्रम का आज हिस्सा नहीं बना रहे, क्योंकि राजनीतिक तूतू पे मैं निकल जाता है। मनोज उसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवधेश नोटियाल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी पत्रकारिता जगत में युवा चेहरा है। साथ ही राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि उत्तराखंड की सियासत को समझते हैं और उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज उसवाल जी, मैं इस कार्यक्रम की चर्चा आपसे शुरू करना चाहूंगा। मैंने ना बीजेपी को बुलाया, ना कांग्रेस को बुलाया, ना आम आदमी पार्टी को। मैंने कहा ये तो राजनीतिक तूतू, मैं एक को गाली देंगे, दूसरे को गाली देंगे, कोसेंगे और निकल जाएंगे।
लेकिन हकीकत क्या है वो आप लोग क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जाकर कवर करते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, तो मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। तमाम विधायकों और मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को देखा मैंने, सर पीटर की जनता और सबसे ज्यादा सर पीटर कोटद्वार की जनता ने और चौबट्टा खाल की जनता ने। मैं ऋषिकेश के परिपेक्ष में आपसे जानना चाहूंगा कि ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल जी का रिपोर्ट कार्ड आप कैसे देखते हैं? देखिए तिलक जी, प्रेमचंद अग्रवाल दूसरी बार वहां से विधायक बने हैं, साथ में इतने संवैधानिक पद जो विधानसभा अध्यक्ष का होता है वो मुख्यमंत्री से ऊपर माना जाता है साथ में देखा जाए तो। यहाँ दिक्कत ये नहीं है कि उन्होंने काम करवाए कि नहीं, दिक्कत ये है कि उनसे जनता नाराज क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। इस समय अन्य जितने उन्होंने चुनाव लड़े हैं उससे डगर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, और ये डगर ऐसा नहीं कि वो चुनाव अभी तक के जो समीकरण बता रहे हैं उसमें चुनाव तो वो जीत रहे हैं लेकिन मार्जिन बहुत कम है। अब ये कांग्रेस ही या अन्य जो उनके विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं उन पर निर्भर करता है कि वो पटकनी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। विकास के मामले में त्रिवेणी घाट वास्तव में इस बार चमचमा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। त्रिवेणी घाट घूम के देखेगा आप, पूरे पुल से लेके और ऊपर रामझूला तक त्रिवेणी घाट का विस्तार से इस समय क्या कहते हैं अच्छा सा एक वो प्लेटफॉर्म बनाया लोगों को आने जाने का, लेकर आसान जो करने के लिए आसान है, उन पर काम हुआ है। लेकिन बतौर इतने वरिष्ठ विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष होने के बावजूद अगर वो तीन चार उपलब्धियां ही अपने विधानसभा क्षेत्र में गिनवा रहे हैं तो ये नगण्य मानी जानी चाहिए। कम से कम 6 करोड़ से ऊपर के उनके इस समय विकास कार्य विधानसभा ऋषिकेश में होने चाहिए थे जो धरातल पर दिखते हैं। सड़कें वास्तव में क्या कहते हैं सड़कों का जाल बिछा है लेकिन सड़कों पर जो ठेकेदारी मत्था में दिए गए टेंडर थे उसमें तारकोल और बजरी सीमेंट रेता प्रॉपर बिछा है कि नहीं बिछा है इस पर भी आकलन बहुत जरूरी है। ऋषिकेश एक धार्मिक स्थान भी है, धर्म आस्था का एक केंद्र भी है, तो उस स्वाभाविक तौर पे है कि प्रेमचंद अग्रवाल वैसे भी धार्मिक आदमी है। धर्म और सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए उन्होंने ऋषिकेश में कितने कार्य किए, डबल इंजन सरकार के हिसाब से अगर देखा जाए जिस तरीके से विकास कहा जाना चाहिए था वो मैं उनको इस मामले में 100% मार्क्स दूंगा कि वो अपना 5 साल का जो टैरिफ कार्ड में काम कर पाए वो उनके 100% की जगह 60% उनको काम कर पाए हैं। हो सकता है कि जो 2 साल कोरोना ने खराब किए हैं उसमें भी कुछ ना होगा लेकिन आखिरी दम तक अगर ऋषिकेश में अब एम्स है, एम्स में मोहन गांववासी मोहन सिंह रावत गांववासी जो सांसद रहे हैं पूर्व सांसद रहे और भाजपा के छत्र मतलब भाजपा के संरक्षकों में से एक है वो अपने ट्रीटमेंट के लिए कर जाते हैं और ट्रीटमेंट में उनको प्राइवेट कमरे के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, एक कमरा नहीं मिल पाता, डॉक्टर बदतमीजी करते हैं और एम्स को छोड़कर चले आते हैं। तो एक विधानसभा अध्यक्ष की विधानसभा क्षेत्र में अगर एक इतने संभाव नेता की ये गत है तो आम आदमी की एम्स में क्या गत हुई होगी इस पर भी विचार करना चाहिए क्या इसके बाद बिल्कुल मनोज सर सुधार हुए हैं मेडिकल जी। ओके ओके राकेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा सर आपके नजरिए से प्रेमचंद अग्रवाल का रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा दिखाई देता है? दावे तो बहुत कुछ किए लेकिन उपलब्धियों के आधार पर हकीकत कुछ और भी है, आपका आकलन? मेरा आकलन, मैं अभी मैं ऋषिकेश से आया था और मैंने वहां पर जो धरातल देखा, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना जरूर हुई है और पर त्रिवेणी घाट की अगर हम बात करें तो उसमें जो गंदगी का अंबार है जो उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है वो तो खैर ठेकेदारी प्रथा पे निभाते हुए उसको किया गया है और उसमें क्वालिटी का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया है। गंगा जी वैली है, गंगा जी का कोई और स्रोत नहीं है बना हुआ, मतलब वहां पर जो श्रद्धालु है उनको आराम नहीं है। अगर आप देखें कि त्रिवेणी घाट की अगर बात करते हैं
तो वहां तक जाने का जो अप्रोच है, जो रास्ता है, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा और चौड़ा होना चाहिए, ताकि जो हमारे पर्यटक दूर आते हैं, दूर स्थानों से आते हैं, वो अपनी गाड़ी से जाते हैं, जो वृद्ध हैं, जो नहीं चल पाते हैं, उनको गाड़ी से जाना होता है, तो वहां पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था ना होना। इतना बड़ा पर्यटक स्थल हमारा है, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश और त्रिवेणी घाट है, उसकी बड़ी आस्था का केंद्र है, वहां पर केवल 10 या 20 गाड़ी की पार्किंग होना, और उस त्रिवेणी घाट चौराहे से लेकर त्रिवेणी घाट तक जो पहुंचना है वो अपने आप में बहुत ज्यादा दुष्कर है। तो उसके ऊपर अगर आप कहते हैं हमने विकास किया है, तो आपने त्रिवेणी घाट का अगर विकास किया है, उसमें टाइल्स लगाई है, टाइल्स तो आदमी ठेकेदारों के लिए और अपने अधिकारियों के लिए लगाता है, परंतु अगर आपने किया तो वहां पर पहुंचने का अप्रोच क्यों नहीं दिया? उसमें बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बाजार में दुकानें बाहर तक आ जाती है, दो गाड़ियां एक गाड़ी आराम से पास नहीं हो पाती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि त्रिवेणी घाट तक आराम से आदमी जाएगा कैसे। दूसरी बात अगर मैं करता हूं तो स्वास्थ्य की आती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज देखो कि विधानसभा अध्यक्ष का स्वास्थ्य अस्पताल है ऋषिकेश का, उप चिकित्सालय माना जाता है, उसमें आज भी सर्जन की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पर कोई भी सर्जन उपलब्ध नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं ये किया जा रहा है ना, हम तो एम्स ले आए अभी, मतलब बता रहे थे कि हकीकत कुछ और ही है। जी आपका कहना सही है, एम्स केंद्र सरकार का एक अपना प्रोजेक्ट था, अगर देखा जाए श्री नारायण तिवारी का एक सपना था जो वो एम्स लेके आए, पर व्यवस्था बनाने का काम वहां का जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं उनका भी होता है। अगर आप आज एम्स में जाके देखें, जब अभी मनोज इस्वाल जी ने बताया कि एक मोहन सिंह आवासीय जो वरिष्ठ भाजपा नेता है, उनको अगर कमरा मिलने में दिक्कत होती है, तो आम आदमी की लोकल आदमी की वहां क्या फर्जियत होती है, ये आप और मैं। बिल्कुल अवधेश नोटियाल जी, युवा पत्रकार होने के नाते बहुत आजकल ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रहे हो, अवधेश भाई आपका आकलन क्या है ऋषिकेश के परिप्रेक्ष्य में? प्रेमचंद अग्रवाल का रिपोर्ट कार्ड। देखिए बिल्कुल अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि 15 साल से लगातार विधायक हैं और 15 साल का एक लंबा जो वक्त था उनके पास ऋषिकेश के विकास के लिए था। लेकिन अगर बात करें ऋषिकेश के विकास की, तो 15 साल में उतना विकास नहीं हुआ है जिसकी हमें उम्मीद थी। मतलब 15 साल किसी के लिए बहुत होते हैं, हम कहते हैं कि 5 साल हमें और दीजिए, 10 साल हो गए, फिर 5 साल आपने और मांगे, 15 साल आप योजनाएं गिना भी रहे हैं तो कौन सी योजनाएं गिना रहे हैं आप, जो जिस योजनाओं में केंद्र सरकार ने आपको धन दिया और जो केंद्र सरकार के सहयोग से योजनाएं संचालित हुई। आपने अपनी विधायक नीति से कौन सी योजनाएं संचालित की ऋषिकेश के लिए? अगर की तो 15 साल में क्यों नहीं ऋषिकेश एक आदर्श विधानसभा, उसको एक आदर्श विधानसभा होना चाहिए था, क्योंकि 15 साल का विकास बहुत होता है अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए। कोई आपने केवल एक विधानसभा का विकास करना है, एक लोकसभा तो आपकी है नहीं, कि लोकसभा के बहुत सारे लोकसभा का इलाका बहुत बड़ा होता है कि जी मेरे को 15 साल बहुत कम होते हैं। तो मुझे ये लगता है जितना मैंने ऋषिकेश को देखा, 15 साल में केवल गिनती की एक दो योजनाओं को छोड़कर उसमें भी जो है केंद्र सरकार ने धनराशि का आवंटन किया, केंद्र सरकार ने सहयोग किया, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ऋषिकेश में उतना विकास नहीं हुआ जितना विकास होना चाहिए था। अगर आप अगर हाली के जो जनसभाएं हैं या पिछली जनसभाएं हैं उनको सुनेंगे, तो जो जनता के बीच क्या लेकर जा रहे हैं वो, कि हमने कोरोना काल में जो है लोगों तक राशन बांटी, हमने जो है 12,000 से अधिक जो हमारे इलाके थे ग्रामीण इलाके उनको राशन मुहैया कराई, सैनिटाइजर किट, तमाम चीजें कर रहे हैं। वो बातें अलग है, वो कोरोना काल में हर विधायक ने किया है। इसके लिए बकायदा फंड भी जो उनकी विधायक नीति था उसके लिए भी बोला गया कि आप इसमें से खर्च कर सकते हैं, वो अपने प्रयास थे। लेकिन आप ये बताइए कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट कि आप किस तरह से ऋषिकेश हमारी तीर्थ नगरी है, पूरे देश और दुनिया के लोग ऋषिकेश आते हैं, वो यहाँ घूमते हैं, तमाम एक यहाँ की छाप लेकर जाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रयास किया गया आपके द्वारा, क्या क्या बेहतरीन प्रयास किए गए ताकि जो बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं वो कुछ अलग से लेके जाएं? क्या कोई नया टूरिस्ट स्पॉट वहां पर बनाया गया, या वहां पर व्यवस्था, या वहां पर जो सड़कों का चौड़ीकरण है वो किया गया? आप अगर आप मथुरा काशी की बात करें, तमाम चीजों की वहां देखें, तो वहां कितना, मतलब अभी केवल हमने योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में केवल 5 साल दिए, लेकिन जो वहाँ के धार्मिक स्थल हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, वहाँ का वहाँ देखिए कितना कायाकल्प हो रहा है। ये ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, ये हमारी आर्थिक राजधानी है उत्तराखंड की, ऋषिकेश हरिद्वार से आर्थिक की प्राप्ति होती। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, मैं यही बात कर रहा था, क्योंकि विधायक निधि खर्च करने के मामले में मैं अगर देखूं तो बहुत बात वैलिड बात कही है अवधेश जी ने, मनोज जी, लेकिन दावा तो ये कर रहे हैं ना विधायक जी कि भाई मैंने पिछले 5 सालों में 1874 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी विधायक निधि के अनुरूप में, और 1753 लाख यानी कि लगभग 93% जो है मैंने विधायक निधि को खर्च किया है। विधायक जी ये दावा कर रहे हैं। जरूर विधायक निधि खर्च हुई होगी तिनाम जी,
मैं अवधेश जी की बात पर उनका समर्थन करता हूं कि वो हमारी मूलतः धर्म संस्कृति राजधानी कही जा सकती है ऋषिकेश और हरिद्वार, जहां से बहुत बड़ा राजस्व उत्तराखंड सरकार को मिल सकता था। ऐसे अनूठे क्या प्रयास आपने 15 साल में कर दिए कि ऋषिकेश के लिए आदमी आए, स्पेशली आए कि हाँ मैं ऋषिकेश जा रहा हूं दर्शन के लिए। वही पुराने घाट, उन्हीं पे मरण पट्टी, वही आरती करने का प्रचलन, एक ही आरती के लिए अगर ऋषिकेश आया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप 15 साल में कुछ नया कर पाए। 15 साल पहले भी आरती हुआ करती थी, आज भी आरती हो रही है, गंगा आरती। उसके अलावा पर्यटन नगरी के रूप में हम ऋषिकेश को कितना विकसित कर पाए हैं, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। अब रेल लाइन अलग से क्या कहते हैं दिख रही है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय में आपके पास धरातल पर क्या प्लान है, वो उस पर आपने कभी चर्चा नहीं की। सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष होना या विधानसभा अध्यक्ष की बहुत बखूबी जिम्मेदारी निभाना ये कर्तव्य नहीं है, जिस जनता ने आपको वोट दिए है उसके प्रति भी दायित्व बनता है। नहीं, वो आकलन तो आपकी बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो आकलन तो हरबंश कपूर जी का भी हुआ, वो आकलन गोविंद सिंह कुंजवाल जी का भी हुआ, और वो आकलन निर्मल आर्य जी का भी हुआ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विधायक निधि के अनुरूप ये गारंटी तो नहीं होगी ना कि भैया मैंने विधायक निधि खर्च की तो इसका मतलब मैंने विकास किया ही किया। अब विधायक निधि के बारे में क्या कहूं मैं, विधायक निधि कितनी खर्च हुई, कैसे खर्च की हुई, ये तो आरटीआई से ही जानकारी मिल पाएगी कि आरटीआई के आधार पर कितना विधायक निधि का पैसा लगा है। लेकिन ऋषिकेश की आम जनता के अगर पास जाए तो वो उनका रोना होता है कि अगर वो विधायक निधि इतना खर्च कर गए हैं तो मुनि की है कि मैं जो जितना बड़ा डंपिंग यार्ड बना रखा है जिसमें बदबू ही बदबू आती है चारों तरफ, वहां सुअर से लेके मरी मरे क्या कहते हैं जानवर वहां फेंके जाते हैं सारा कुछ, और पूरे जितने भी वहां आश्रम है आश्रमों के आसपास की गंदगी है, पूरा वन विभाग कॉलोनी बगल में है, इधर आपने शराब का ठेका खुलवा लिया है, और शराब का ठेका धर्मनगरी में पहले नहीं था, भाजपा की इस सरकार में शराब का ठेका ऋषिकेश में खुला जाना यकीनन एक उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं यहाँ के लोग। राकेश जी, ये भी उपलब्धि है क्या विधायक जी की कि उनके क्षेत्र में जो है एक शराब का ठेका तक खुल गया? सर ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, विकास अगर हुआ है तो शायद सबसे ज्यादा विकास तो मैं इसी को मानूंगा, क्योंकि जो विकास के मुद्दे थे वो गौण है बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने 70 विधानसभाओं का पूरा सर्वे किया और ये जानने की कोशिश करी कि किस विधायक ने क्या काम किया आपने इन 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, उसके बाद जब मैं उनका मांग पत्र देखता हूँ, जो चुनावी वादे जो उन लोगों ने किए हैं, तो बड़ा देख करके अफसोस होता है, शर्म होती है कि हम लोग डबल इंजन की सरकार में, केवल मैं समझता हूँ कि ये पिछला चुनाव था वो तो सिर्फ मोदी जी के नाम से लड़ा गया, क्योंकि अगर काबिलियत की बात होती तो इनमें से एक भी आदमी जीत करके विधानसभा में नहीं आता। अगर आप बात करते हैं ऋषिकेश की, मैं ऋषिकेश जी कुछ तो कह रहे थे मंत्रालय मेरे जूते की नोक पर, वो कह रहे 10 दिन पहले बता दो मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा, 10 दिन पहले बता देना विधानसभा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं ये बता रहा हूँ 7 दिन ऋषिकेश में रह करके, 7 दिन मैंने जो जनता से, ऋषिकेश की जनता से, जो शहर की जनता पहले मैंने उससे सर्वे लिया, तो वो लोग बहुत ज्यादा आक्रोश में थे, खिलाफ में थे, बोले प्रेमचंद जी हमारे जो विधायक जी हैं और उसके ऊपर विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी पावर होता है विधानसभा अध्यक्ष। जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष होने के बावजूद भी ऋषिकेश की जनता कहती है कि इतनी एरोगेंसी है, बात करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, बात सुनते हैं तो रायवाला श्यामपुर इधर की तरफ ज्यादा काम करते हैं, हमारी तरफ शहर की तरफ तो आने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैंने यही पूछा, मैंने कहा आप वोट का क्या जो, मैंने कुछ लोग कहने लगे सर हम तो भारतीय जनता पार्टी के 70 समर्थक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि हम मोदी जी के साथ रहना चाहते हैं, हमारी मजबूरी है इनको सुनना जो भी पार्टी खड़ा करेगी, परंतु हम ये चाहते हैं कि पार्टी अपने प्रत्याशी बदले, जो हमें स्वास्थ्य नहीं दे पाए, जो हमें रोजगार नहीं दे पाए, जो हमारे लिए अच्छी साफ सुथरी चौड़ी सड़कें नहीं दे पाए, एक छोटे से शहर का विकास नहीं कर पाए, हमारे लिए पार्किंग नहीं कर पाए, हमारे जो भी विकास हमारे ऋषिकेश का होना था वो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि का हम आगे 5 साल भी झेलना ही पड़ेगा अगर पार्टी खड़ा करती है, परंतु हम इनसे कोई भी उम्मीद या किसी भी तरह की उम्मीद जो है इनसे नहीं रख सकते। अवधेश जी, आप जो आकलन कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए थे कि भाई धर्मनगरी के हिसाब से तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी बात मनोज जी ने भी की और राकेश जी ने भी की,
कि भाई धर्म नगरी के आधार पर आप वही पुराने आधार पर ही ऋषिकेश को ढाले रहेंगे, और 15 साल अगर विधायक रहे तो आकलन तो होना चाहिए, और वो भी तब जब आप एक सर्वोच्च पद पर चले जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में रहते हैं, फिर तो आपके सामने एक आदर्श स्थापित करनी चुनौती बन जाती है। अवधेश जी एक अनम्यूट कर लीजिए सर उसको। अवधेश भाई हम जो है विकास स्कोली नहीं कह इसको नहीं कहेंगे कि हमने जो है जो कुछ लोगों को आर्थिक सहायता वितरित कर दी या कुछ जो जरूरतमंद जो बेरोजगार जो सॉरी जो बीमार लोग थे उनको हमने कुछ आर्थिक सहायता दे दी, उनको अस्पतालों में तमाम चीजें करवा दी, ये विकास नहीं होता। विकास होता है कि हमें आम जनता को किसी भी योजना का कितना लाभ मिल पा रहा है। आप अगर मोदी जी की योजनाओं को गिनवाएंगे तो उसको छोड़ दीजिए, आपने क्या किया, आपको आपको 15 साल का मौका मिला, पिछले 15 सालों में 10 साल आपकी सरकार थी, 5 साल आप विपक्ष में रहे, उन 10 सालों में आपने क्या किया, और 15 साल आपको पूरी विधायक निधि मिली, वो विधायक निधि आपकी कहां कहां खर्च हुई, आपने ऐसे कौन कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट स्थापित किए जो एक अलग सी चीजें रही हो कि वाकई आप बोल सके कि मैंने ये काम किए। आप अगर मैं चुनावी भाषण में जाएंगे, आप कल परसों जब वो जब उनका एक एक जनसभा थी तो मैं देख रहा था कि एक जो जूनियर देवानंद है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ पा रहा है, वो वहां पर उनके उनके मंच पर वो थे, सोना लोगों को हंसाने गुदगुदाने का वो काम कर रहे थे। तो मैं ये नहीं कहता बिल्कुल आप स्टार प्रचारक लाइए तमाम चीजें, लेकिन जिस जिस व्यक्ति ने कोई भी व्यक्ति हो कहीं का भी देश के किसी भी कोने का जिस व्यक्ति ने काम किया होता है उसको किसी भी स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं होती है, जनता उसकी स्टार प्रचारक होती है, जनता ने देखा होता है कि इसने काम किया और हम इसके साथ खड़े हैं। तिलक जी आपने भी अभी जो टिकट पर बंटवारा हुआ बहुत सी बातें कर रहे हो, कई पत्रकार ऐसे हैं जो आजकल स्टार प्रचारक लेकर घूम रहे हैं अलग अलग विधानसभा में, है ना? नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो भी स्टार प्रचारक लेकर घूम रहे हैं और बड़े बड़े स्टार प्रचारक आते हैं वो भी हेलीकॉप्टर से, समझ ना क्रिकेटर बिल्कुल। अवधेश भाई ऐसा बिल्कुल 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 आपने सही कहा कि बड़े बड़े आते हैं और पता नहीं चलता कब आए और कब चले गए, लेकिन स्थितियां वाकई विकट है उत्तराखंड के हिसाब से, क्योंकि हम तमाम चीजें सरकार की बात करें, हमारे सरकार में एक पर्यटन मंत्री थे, कहा था कि जो है मैं डेस्टिनेशन बनाऊंगा, मैं जो है ऋषिकेश के ऊपर जो मैं हैंगिंग झूले, सीप्लेन आ रहा है टीवी में आपने देखा नहीं होगा, वो आने वाला सीप्लेन तेरा डेस्टिनेशन जाएगा, आप इंतजार तो करिए। सर सी प्लेन छोड़िए, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहा था तो वो बोले कि मेरी एक योजना है कि एक एक कैबिनेट बैठक में ऋषिकेश में हैंगिंग झूला में करवाऊं, नीचे गंगा जी हो और ऊपर झूला एक हैंगिंग झूला हो जिसमें सारे कैबिनेट मंत्री अधिकारी बैठे हो और ऊपर कैबिनेट वो करवाऊं मैं, तो पिछले 5 साल से कवर करते हो गया, अब हम जब भी उनसे पूछते हैं तो वो उस सवाल को टाल जाते हैं। तो मतलब चीजें होती हैं, आप केवल चुनावी वादे आप करते रहेंगे तो जनता कब तक आखिर झेलेगी, एक मौका देगी, दो देगी, तीन देगी, उसके बाद तो आखिरकार सोचने को मजबूर हो जाएगी ना। जब जनता तुलनात्मक अध्ययन करेगी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, देखिएगी यार कि हमारी जो दूसरी विधानसभाएं उनमें ये चीजें नहीं हो गई हैं, ये चीजें काम हुआ है, हमारी जस की तस हालत है, जो हमारी 20 फुट चौड़ी सड़क थी वो 10 फुट रह गई और अगले साल अगर हमने इनको और जिताया तो वो 8 फुट रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं जनता तुलनात्मक अध्ययन करती है, अब पहले वाली बात नहीं रह गई, पहले टीवी और प्रिंट था, अब सोशल मीडिया का दौर भी आ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी सोशल मीडिया के इस दौर में आपस में हम कनेक्ट भी हैं, क्योंकि मनोज सर को भी दूसरी डिबेट में बैठना है मुझे पता चला है। मनोज सर चलते चलते बस एक मिनट लूंगा मैं आपका, क्योंकि आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। राकेश सर ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया और अवधेश भाई ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, अब मैं अपना अनुभव चलते चलते साझा कर देता हूँ और आज से 5 साल पहले का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। राकेश जी मैं भी ऋषिकेश गया था और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे, मधुर संबंध, और जब मैं गया वहां पे तो उनका जहां पे घर है आवास है, उनके आवास से मनोज सर राकेश जी उनके आवास से 100 मीटर की दूरी पर उन्होंने एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, जैसे मैरिन ड्राइव है उन्होंने वैसे ही एक वॉक करने के लिए झील के पास से दूसरी तरफ से आपको हाथी पानी पीते हुए नजारा दिखाई देता है, वो बहुत शानदार। तो उन्होंने कहा मुझे, तिलक भाई देखो मैंने ये विकास किया है, ये मेरा विकास का मॉडल है। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर मैंने उनसे वो प्रश्न पूछा कि आपने ऋषिकेश के लिए, ये तो आपने अपने लिए किया, आपके घर से 100 मीटर की दूरी पर एक घाट आपने बना दिया और लोग वहां पर विकास का मॉडल तैयार है, लेकिन ऋषिकेश के विकास के मॉडल के लिए आपने क्या किया, त्रिवेणी घाट के लिए आपने क्या किया, गंगा की आरती के लिए आपने क्या किया? तो आज भी वो 15 साल के बाद जो अवधेश जी बात कह रहे हैं ना,
वो मैं सवाल मैंने तब भी उनसे पूछा था, तो आज मुझे लगता है कि जनता एक बार फिर से उनसे पूछे और पूछना भी चाहिए। मनोज सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आकलन किया। राकेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ युवा पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से बताया कि ऋषिकेश में कितना विकास हुआ, धरातल की तस्वीर उन्होंने बताई कि कितना विकास हुआ ऋषिकेश में, उसकी हकीकत क्या थी वो आपके सामने रखी। तो अगली बार होगी एक और बड़ी शख्सियत की रिपोर्ट कार्ड तैयार, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।